देखिए भैया का जो कि पुरानी किला पोखरा का ये सिवान जिला का 40 मुहर्रम का आंकड़ा है, आप लोग देख सकते हैं जो कि सबसे बड़ा मिसाइल यहाँ पे बना हुआ है। गजब का मिसाइल बना हुआ है, ये देखिए। और सबसे बड़ा मिसाइल आप ये देखिए भाई, सिवान जिला का सबसे नंबर वन तो यही आएगा आपको लग रहा है जो। देखिए भाई 40 मुहर्रम का आंकड़ा पुरानी किला पोखरा का, देखिए कितना खतरनाक खेल हो रहा है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, देखिए कितना खतरनाक खेल हो रहा है। गजब का खेल देखिए, वाह क्या खेल है भाई। पुरानी किला पोखरा का ये 40 मुहर्रम का आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे खेल। गजब का खेल हो रहा है भाई, वाह। आराम से आराम से, ओ भाई क्या खेल है। बाप रे बाप, लग रहा है कि मारिए देंगे। अब ये खेल देखिए भाई, ये ग्रुप खेल, ये देखिए ग्रुप खेल, ये सिवान जिले का पुरानी किला पोखरा का आंकड़ा है, 40 मुहर्रम का आंकड़ा है। ये देखिए गजब का खेल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक चल रहा है। वाह भाई, सिवान जिला का सबसे नंबर वन तो यही आएगा आपको लग रहा है जो कि यहाँ का पुरानी किला पोखरा का ये आंकड़ा है जो कि मिसाइल बना हुआ है बहुत बड़ा। तो चलिए और भी मिसाइल दिखाते हैं आप लोग को। मिसाइल है देख सकते हैं, पुरानी किला पोखरा का ये नंबर वन पे आएगा हमको लग रहा है। जहाँ की वजह से हम ये माने कि भारतीय लेकिन इस सरकारी का मतलब सरकारी का मतलब अब ये है कि हमारे तमाम पड़ोसी लोग अब बस सोचते रह जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के पास राफाल का जवाब ही नहीं है। चलिए और भी मिसाइल आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कैसा मिसाइल है भाई, वाह गजब का मिसाइल बना हुआ है, ये देखिए। और सबसे बड़ा मिसाइल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये कौन सा मिसाइल है, एमबीटी अर्जुन मार्च। तो देखिएगा भैया, हाई कर दीजिएगा। देखिए ये पुरानी किला पोखरा का ये है जो कि भैया हाथ हिला, हाथ जरा हिला दीजिए। देखिए भैया का जो कि पुरानी किला पोखरा का ये सिवान जिला का 40 मुहर्रम का आंकड़ा है, आप लोग देख सकते हैं जो कि सबसे बड़ा मिसाइल यहाँ पे बना हुआ है जो कि नंबर वन पे यही आएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो को जो कि सामने से दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए भाई लोग, सिवा जिले के चहलुम का आंकड़ा में कितना ज्यादा भीड़ है। अभी कोई भी आंकड़ा नहीं आया है फिर भी इतना ज्यादा भीड़ है। देखिए वीडियो मुहर्रम में ताजियतारी होती है और यहाँ पे पुलिस का भी तादाद बहुत ज्यादा है जो कि कोई लफड़ा उफड़ा ना हो, सभी शांति से हो जाए इसके लिए पुलिस का भी व्यवस्था ज्यादा है। की शकल में जलूसों के शकल में ये अखाड़े आते हैं और अपने फन का मुजाहरा करते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, फन सिपाहगिरी का।